Assalamualaikum, welcome back to urdu.com. My name is Kurat Nakvi. I'm a course on iOS development with Swift programming. इस ट्यूटोरियल में मेरा मकसद आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने का एम वी सी के बारे में, मॉडल व्यू कंट्रोल. हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, मॉडल ऑब्जेक्ट है, व्यू ऑब्जेक्ट है. मॉडल ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे मैंने अपनी टू डी लिस्ट का जो है प्रोग्राम बनाना है, तो जो डाटा है वो मॉडल ऑब्जेक्ट है, और जो मेरी उसके बटन्स और वो लेबल्स वगैरह लगाने हैं व्यू ऑब्जेक्ट का. और इन दोनों के बगैर में अगर मैंने वो कनेक्शन करवाना है, कम्युनिकेट करवाना है, तो मुझे कंट्रोलर ऑब्जेक्ट चाहिए. कंट्रोलर ऑब्जेक्ट डॉट स्विफ्ट होता है, और जो हमारा जो भी कंट्रोल होता है वो हमारा जो पूरे का पूरा वो होता है इंटरफेस होता है, यानी इंटरफेस को हम कनेक्ट करते हैं स्टोरी बोर्डिंग के लिए होता है. इन दोनों को मिला लिया जाए तो वी कंट्रोल है, क्योंकि डाटा कैसे शो कराना है वो. अब जैसे मैंने एक सिंपल एप्लीकेशन बनाई है, बटन है, बटन पे मैंने क्लिक किया तो बटन का कोई फंक्शन या एक्शन कॉल हुआ होगा, तो जो बटन पे क्लिक करने, बटन क्लिक एक एक्शन है. तो स्विफ्ट प्रोग्राम फाइल में अगर हम देखें तो ये बटन को एट द रेट ऑफ आई बी एक्शन कहलाएगा. एट द रेट ऑफ आई बी एक्शन क्या है, एट द रेट ऑफ कीवर्ड है, और जो है आई बी एक्शन उसका इंटरफेस बोर्ड इंटरफेस बिल्डर है और उसका एक्शन. अगर आप पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसकी देखें, आईफोन की प्रोग्रामिंग में, तो वो आएगा आउटलेट. आउटलेट क्या क्या, अगर मैं कोडिंग में से एक्सेस करूँ इंटरफेस को, तो वो मेरा आई बी आउटलेट है. अब